उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी बाउंड्री वॉल के बाहर किया जा रहा है निर्माण। राजस्व महकमे के नाप जोक के बावजूद भी उक्त भूखंड में विपक्षियों के द्वारा बाउंड्री वॉल के बाहर हो रहे निर्माण को लेकर अंबेडकर नगर जिले के पकौली जलालपुर निवासी अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि उप जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी गाटा संख्या 102/0016 हेक्टेयर बिहारी राम अंजोर दीनदयाल व गाटा संख्या 103/0006 हेक्टेयर वर्तमान खतौनी में संजय सिंह उमाशंकर मौर्य अशोक मौर्य पुत्रगढ़ के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। उसके बावजूद अशोक मौर्य द्वारा गाटा संख्या 103/0006 पर धारा 41 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था, जिसके संबंध में उप जिलाधिकारी जलालपुर के आदेश पारित होने के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक समनपुर द्वारा 17 अक्टूबर 2018 को पत्थर नसब की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने वॉल बाउंड्री का काम शुरू किया लेकिन विपक्षी गणों द्वारा कार्य रुकवा दिया गया और खुद विपक्षी अपना वॉल बाउंड्री बनाकर काबिज दाखिल है। आखिर पीड़ित संक्रमणीय भूमिधर होने के बावजूद भी अपनी वॉल बाउंड्री जब करा रहा है तो विपक्षियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है, जिसकी शिकायत राजस्व महकमे को की गई है, उसके बावजूद भी कोई विधिक न्याय नहीं मिल सका। धारा 41 के अंतर्गत वाद दायर किया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी के आदेश अनुपालन के क्रम में पत्थर नसब की कार्यवाही की गई, लेकिन विपक्षी गणों के बड़े हौसले से पीड़ित अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि हम अपनी ही जमीन पर निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, आखिर ये कहाँ का न्याय है। संवाददाता अम्बेडकर नगर। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार मौर्य, पूर्व प्रधान, ग्राम थाना जयपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकर। पूरा प्रकरण क्या है सर? प्रकरण जमीनी विवाद है सर। अब मैं गाटा संख्या 101 का सह खातेदार और 102 का संपूर्ण, 103 का संपूर्ण खातेदार हूँ, जिस पर कि धारा 24 से मेरी पैमाइश प्रथम सब हो चुकी है और उसके बाद विपक्षी जो है अपने हिस्से की ज़मीन को लेकर के अपना बाउंड्री वाल बना लिया और बार बार मतलब SDM साहब के यहाँ राजनीतिक दलों का दबाव पड़ रहा है और उन्होंने ज़बरदस्ती कल बिना मेरी मौजूदगी, बिना मुझे बताए, बिना कोई नोटिस दिए देर रात 6 से 7 के बीच में दलबल के साथ SDM महोदय पैमाइश करने के। इसके संबंध में आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया? इसके संबंध में पैमाइश से पहले मैं SDM महोदय जलालपुर को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी जांच आख्या मंगाई RI और लेखपाल से। रिपोर्ट में जब रिपोर्ट आया तो SDM महोदय ने SO जैतपुर को कार्यालय लेटर जारी किया कि इनका निर्माण कार्य सुनिश्चित कराएं। इसके बाद उसको ठंडे वस्ते में रखते हुए कल पैमाइश की प्रक्रिया आ गई और बगैर किसी आदेश और बगैर मुझे सूचना दिए मनमाने ढंग से वो SDM महोदय अपनी पैमाइश कर रहे हैं। मुझे यह आशंका है कि राजनीतिक दलों के दबाव में आकर के महोदय मेरी ज़मीन को कब्जा करवा देंगे। इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि जो पैमाइश का नियम है, कानून जो बना है, धारा 24 से SDM महोदय आदेश कर दें पैमाइश वो कराएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनका हक जहाँ है वो अपना।